नमस्कार, ये है खबर स्टेशन। ऐसा मैच नहीं देखा होगा जी हाँ, क्या जबरदस्त मैच था। अगर आपने ये मैच देखा होगा तो आप गवाह बने हैं एक ऐतिहासिक मैच के। वर्ल्ड कप के फाइनल में इतना सारा ड्रामा, हर एक बॉल पर कौन जीतेगा किसी को नहीं पता। ऐसी स्थिति आने पर क्या रोमांच होता है। क्रिकेट अपने पूरे शबाब पर था। रात को न्यूजीलैंड का हो या इंग्लैंड का, या इंग्लैंड या न्यूजीलैंड से बाहर, जो भी इस मैच को देख रहा था बस दांतों तले उंगलियां चबाए बैठा हुआ था। नियमों के मुताबिक इस बार विश्व कप फाइनल मुकाबला टाई रहने पर सुपर ओवर का प्रावधान रखा गया था। सुपर ओवर क्या होता है उसको जानेंगे आगे। इंग्लैंड को आखिरी ओवर में 15 रन की जरूरत थी। इस ओवर की पहली गेंद पर कोई रन नहीं बना। दूसरी गेंद को ट्रेंट बोल्ट ने ऑफसाइड के काफी बाहर रखा और इस गेंद पर भी कोई रन नहीं बन सका। तीसरी गेंद पर बेन स्टोक्स ने शानदार छक्का जोड़ दिया। उसके बाद तो चौथी गेंद पर स्टोक्स दो रन के लिए दौड़े और दूसरा रन पूरा करते समय थ्रो उनके बल्ले से टकराकर चार रन के लिए चला गया। मैच के आखिरी ओवर की पांचवी गेंद पर बेन स्टोक्स दो रन के लिए दौड़े लेकिन आदिल राशिद इस गेंद पर रन आउट हो गए। इस गेंद के बाद इंग्लैंड को जीतने के लिए एक गेंद पर दो रन की जरूरत थी। आखिरी गेंद पर बेन स्टोक्स सिर्फ एक रन बना सके और इसी के साथ ये मैच सुपर ओवर के लिए चला गया। सुपर ओवर में क्या हुआ आपको ये सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। सुपर ओवर में इंग्लैंड की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए बेन स्टोक्स और जोस बटलर आए। न्यूजीलैंड की तरफ से ये ओवर ट्रेंट बोल्ट ने डाला। सुपर ओवर में पहली गेंद पर स्टोक्स ने तीन रन बनाए, दूसरी गेंद पर बटलर ने एक रन बनाया, तीसरी गेंद पर स्टोक्स ने चौका लगा दिया और चौथी गेंद पर स्टोक्स ने एक रन लिया। पांचवी गेंद पर बटलर ने दो रन लिए और फिर छठी गेंद पर बटलर ने चौका लगा दिया। इस ओवर में कुल 15 रन बने और न्यूजीलैंड को जीत के लिए 16 रन का लक्ष्य रखा गया। न्यूजीलैंड की तरफ से सुपर ओवर में बल्लेबाजी करने के लिए मार्टिन गप्टिल और जेम्स नीशम आए। इंग्लैंड की तरफ से पहला ओवर जोफ्रा आर्चर ने फेंका और जोफ्रा ने पहली ही गेंद पर वाइड फेंक दिया। पहली गेंद पर नीशम ने दो रन बनाए, दूसरी गेंद पर नीशम ने छक्का लगा दिया, तीसरी गेंद पर नीशम ने दो रन लिए, चौथी गेंद पर नीशम ने दो रन लिए, पांचवी गेंद पर नीशम ने एक रन लिया और जीत के लिए न्यूजीलैंड को एक गेंद पर दो रन बनाने थे और आखिरी गेंद पर गप्टिल ने शॉट लगाया और एक रन लिया भी पर वो रन आउट हो गए और सुपर ओवर का मैच भी टाई रहा। लेकिन इसमें नियम के अनुसार इंग्लैंड को जीत मिल गई। जी हाँ, किस्मत न्यूजीलैंड के साथ नहीं थी, टक्कर बराबरी की थी। मेहनत दोनों ने बराबर की लेकिन जीत इंग्लैंड की हुई।